तुम्हारा स्वागत है। मुन्ना भैया मिल चुके हैं हमें। मुन्ना भैया की स्किन देखो मेरे से भी अच्छी। नॉर्थ में आके खाने का अलग ही मजा है। तुम लोग ना ज्यादा ही मस्ती कर रहे हो दिल्ली आके। मैं जा रही हूँ काम छोड़ के, इधर से तो नडियाद बहुत दूर है। मुन्ना की वजह से आज मैं भूखी सो रही हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल LOL। आई एम सो सॉरी, मैं कल आपको बताना भूल गई कि हमारा दिल्ली में इवेंट है और हम लोग निकल रहे हैं। मुन्ना भैया भी है साथ में, ये भैया भी है, ये दीदी भी है। वो दीदी नहीं है क्योंकि उसका बच्चा यहाँ पे है। पता नहीं, जिस दिन फ्लाइट होती है उस दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती। मेरे को ऐसा लगता है मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, ये सामान रह गया। अब फर्स्ट टाइम मेरा पति मेरे लिए नाश्ता लेने गया है। मैं बोलती हूँ ये डाल दे, नहीं अभी डाइजेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सांभर ही पी ले। तो भी वो मेरे लिए सांभर लेने गए हैं। आज जिनके बार बार मीम लगाते हैं हम, मुन्ना भैया मिल चुके हैं हमें। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और मुन्ना भैया अच्छे इंसान बनने जा रहे हैं। एक जगह मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं भी वहाँ जाऊँगी अच्छी इंसान बनने के लिए। मुन्ना भैया वहाँ बनेंगे अच्छे इंसान? हाँ बिल्कुल बने, अगर अच्छा ही आपके अंदर है भाई। तो लेकिन मुन्ना भैया की स्किन देखो मेरे से भी अच्छी। ओ लाला, गोला भी 2 साल का हो गया है, इसीलिए 3 टिकट्स गोले की भी अलग है। अब हमारा बच्चा चौड़ा होके जाएगा, सुसु भी करेगा। और करो 20 मिनट फ्लाइट लेट। अब हमारे बच्चे का ध्यान रखो। चलिए जी गाइस, दिल्ली में पुलिस। यार फ्लाइट में मुझे ऐसे लग रहा है कि नवरात्रि है और अष्टमी है, तो हलवा पूरी मिला। इसको लगा कोई और लड़की है, इसको लगा फैन है कोई। फैन ऐसे करती है। बाय बाय विस्तारा, बाय बाय गोले। अच्छा लग रहा है गोले, अच्छा लग रहा है। सोनिया, आपका भाई यहाँ पर है, 9 साल से आपको बहुत मिस करते हैं। जल्दी आओ फटाफट। और इंडिया बहुत सुंदर हो गया, हमने बहुत तरक्की कर ली है, पूरा भारत बदल गया है। एक बार इंडिया आके तो देखो। बिल्कुल, मैं और बोलो मैं मिस करता हूँ। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ बहन। और मैम से आज मैं मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैम भी बहुत इमोशनल हो गई जब मैंने उनको बताया। थैंक यू सो मच मैम, सो स्वीट यार। सोनिया, तुम्हारा भाई बहुत प्यार करता है यार, लॉट्स ऑफ लव। बाय सोनिया, बाय बाय। कौन है गोले? कौन है? मुन्ना भैया। कौन है? मुन्ना भैया। भैया भाई, खुशी खुशी। दिल्ली एयरपोर्ट में हैमलीज़ वालों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना स्टोर इधर उधर लेके जाओ। ऐसी जगह पे उन्होंने स्टोर रखा कि कोई बच्चा यहाँ से रोए बिना निकल नहीं सकता, है ना जी। ये प्लान सोच समझ के बनाया गया है। या मैम, हैमलीज़ ने सोच समझ के प्लान बनाया है। This is business। ये लड़की देखो बुलबुले उड़ा रही है अभी ऐसी जगह पे कि बच्चे आए। बता हर्ष। अरे ये तो हर्ष इधर है। बाबू का है। क्या ले रही हो? हेलो जी। अरे अपने लोग इधर पहुंचे हुए हैं। हेलो हेलो हेलो। सो भाई, दिल्ली में हमारा स्वागत है, हम खुद ही कह रहे हैं। और वाह, इतनी गर्मी इतनी गर्मी, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अमृतसर से हूँ और मैंने इससे भी ज़्यादा गर्मी देखी है, लेकिन 15-16 साल पहले। लेकिन अब जो गर्मी है भाई दिल्ली में, हालत ख़राब हो गई। दे दे, थैंक यू। अरे दिया ही नहीं, अरे दिया ही नहीं। मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी रस मलाई मैंने इतनी बड़ी नहीं देखी सच में। और ये शक्ति को अकेला छोड़ के इधर रस मलाइयों के मजे ले रहा भाई। चीटिंग 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 करता है तो। और कुछ अलग ही किया पापा ने। क्या किया है पापा ने? अलग अलग किया। कुछ अलग किया। वो ना कोविड तो नहीं है ना? काजू दादा रस मलाई चूस चूस के खा रहे हैं। पहले रस का मलाई चूसते फिर खाते हैं। यार नॉर्थ में आके खाने का अलग ही मजा है। और मैं तो कह रही 40 मिनट अमृतसर है, चलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे कुलचे, जलेबियाँ, समोसे, सतपुड़े, मतलब अमृतसर आप आओगे तो मैं ऐसे आपको खाने की चीज़ें बताऊंगी जैसे किसी ढाबे में जाओ और कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर देता है ना, मतलब कुलचे, पुड़िया, भटूरे, सतपुड़े, समोसे, मटर, उफ उफ उफ। तो अमृतसर जाना है। ओदे लागे दे लागे जा। बच्चों करने वाला चीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? नहीं। दुग्गल साहब का बेटा जो काफी अमीर है, अब ऑफिस में हम जब भी रसमलाई मंगाएंगे अभिनव को नहीं देते। तो वो स्वीट यार पाजी मिले और उनकी फोटो खींच रहे, वाइफ को भेज रहे। देखो भारती का फोटो था तो सीधा वाइफ को भेजा, नोरा फतेही होती तो ये अपने। मैं सारे पंजाबियों को जानती, मैं खुद अमृतसर से हूँ। दिल्ली में है रक्षक। मैं पांडे जी को बड़ा मिस कर रही हूँ। पांडे जी जल्दी आ जाओ वापस। वैसे तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आप पूरा टाइम लो पांडे जी, लेकिन हम क्या करें यार, हम आपको मिस कर रहे हैं। और मेरे से ज्यादा मेरा बच्चा मिस करता है। जब भी वो सैलरी सैलरी वाला देखता है तो बोला पांडा जी कहता है। आ जाओ वापस पांडे जी, वरना हम इनको ले जाएंगे अपने साथ। oh, no. जरा अक्ल नहीं है हर्ष को। पिछले 5-7 मिनट से हम ऊपर खड़े हैं और हम इनके जाने के बाद लिफ्ट में चढ़े थे और ये देखो फिर चले गए पीछे। तुम लोग ना ज्यादा ही मस्ती कर रहे हो दिल्ली आके। जल्दी कर जल्दी। गाइस अभी हमारी मीटिंग थी इसलिए हमने सारा सामान उठा दिया और इतने बड़े बंदों के साथ मीटिंग की, लेकिन ये लड़का टैग अरे तो क्या हो गया गाइस? अगर किसी को गाइस अगर किसी को मुझे पैंट गिफ्ट करनी है तो ये है मेरा साइज 32 कार्गो में। वो दो लड़की आई उनके साथ स्टाइल मार के मीटिंग करता रहा, पीछे तेरे ये लटका रहा। तो क्या हो गया राती? वो तो खुद ही हंस रही होंगी, हंस हंस के मर रही होंगी। तुमने उसकी बैग पे देखा टैग लगा हुआ था। भारती इज टू गुड यार, सो टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट। हर्ष तो मुझे ऐसे ही लगा। देखिए 8:30 हो रहे हैं। सॉरी मुझे अब भी नींद आ रही, मैं इतनी थक चुकी हूँ क्योंकि हम सुबह 6 बजे से उठे हैं दिल्ली आने के लिए। बट मैं आपको बता दूँ एक बात, हम 6 बजे से उठे हैं, ये लड़का 7:30 बजे से उठा है गोला, और 7:30 से लेकर अब 8:30 हो गए, ये एक बार नहीं सोया। इधर आओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, पापा इधर है, इधर से जाओ, इधर से। अरे गाइस मैं हार चुकी हूँ, बेटा छीन चुका है, ये अपने पापा का हो चुका है। ये मम्मा से प्यार नहीं करता, मम्मी से प्यार नहीं करते। आ गया तेरा पापा, जा। पापा चले गए। पापा बहुत स्ट्रिक्ट पापा है। इधर आ। कौन से पापा? स्ट्रिक्ट पापा है, स्ट्रिक्ट। कम ऑन बेटे, कम या कम या पापा के पास। विकी। तो दोस्तों मेरे तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल है, मैं शायद खाना भी ना खाऊं और उससे पहले ही मैं बेहोश हो जाऊं क्योंकि कल इवेंट है, उसके लिए मुझे फ्रेश और यंग दिखना है, जवान। A few moments later. तो ये देखिए भाई 5 स्टार होटल में आके भी जैसे हम कानपुर स्टेशन पे बैठे होते हैं ना, ये वो हाल है। प्लेटें लेनी 5 स्टार होटल से हैं और खाना लाना रेकड़ी से। oh, no. क्या करें दोस्तों, क्या करें, हम हैं ही ऐसे। मतलब हमको नहीं समझ आया यार, खाना दोपहर को खाया था, अच्छा था, लेकिन बहुत हैवी हो गया हमको, है ना। तो सारे तो इधर गांव खेड़े से आए हुए हैं। तो ये भी जाए धक्के खा के कहीं से लेकर आया है। क्या क्या सब्जी लाए दादा जी? मुन्ना भैया पालक पनीर लाया है। हाँ? और दो दाल लाया, दाल मखनी की दाल फ्राई। वाह, कितने खराब कॉम्बिनेशन लाया है। हमेशा जब दाल लाओ तो साथ में सूखी सब्जी लानी चाहिए, दाल फिर पालक पनीर गीले। मुन्ना भैया आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। खाना खा लिया, खाना अच्छा नहीं था, पता नहीं क्यों। होटल का भी अच्छा नहीं लगा, बाहर से लाए वो भी नहीं अच्छा लगा। मुन्ना की वजह से आज मैं भूखी सो रही हूँ। oh, no! और मुन्ना को पता है इस बात का कि मैं जो चीजें नहीं खाती ना, मुन्ना सिर्फ वही चीजें लेके आया। मैं नहीं खाती खाना, मैं सुबह नाश्ता ही करूँगी। कल मेरा इवेंट है और कल सारा ध्यान इवेंट पे लगाना है, क्योंकि मैं और हर्ष है और पूरा इवेंट हम कर रहे हैं। थोड़ा मेरे को टेंशन भी है, बट इतना टेंशन नहीं है क्योंकि हर्ष है साथ में। और आपको बताएं हमने 5 स्टार होटल की क्या ऐसी तैसी की। ये देखो भाई, इंडक्शन, मेथी दाना, ये सब चीज़ें होती हैं घर में। और ये अपने पतीले धो के लाई है। ये देखो, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जितनी भी नई मम्मियाँ हैं उन सबको पता होगा कि ये सारी मम्मियाँ करती हैं ऐसे, कि जिनके बच्चे घर का खाना खाते हैं वो ऐसे चूल्हा और पतीला लेके जाती हैं। दिल्ली में आई हूँ और मुझे खाना अच्छा ना मिले, कितनी बुरी बात है ये। आप मुझे कमेंट करो कि मैं कहाँ से खाना मंगवाऊँ जब अगली बार आऊँ मैं। ये मैं इधर ठहरी हुई है, कौन सा एरिया होता है यार जहाँ पे सारे होटल होटल ही है। एम्बेसियाँ हैं सब, एम्बेसी होता है, एम्बेसियाँ हैं जिसमें सब वीज़े वूजे लगते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा एरिया, बट खाना नहीं अच्छा मिला। सवेरे देखना भी मैं नाश्ता क्या करती। ब्लॉग को एंड करना है। मुंह पे इतनी टॉर्च मार के मुझे लगा कुछ उगलवाने आई है, पता सोना कहाँ रखा है। मैं जा रही हूँ काम छोड़ के दिल्ली से। दीदी रुको, बॉम्बे से जाना, दिल्ली से क्यों जा रही है छोड़ के काम? इधर से तो नडियाद बहुत दूर है दीदी। इतना थैला, इतना क्या है थैले में? आपके कपड़े? हाँ। चलो पहुंच के फोन करना। हाँ दीदी, बाय। तो चलिए जी, दीदी जा रही है, हम भी ब्लॉग को एंड करते हैं। जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं नहीं कहना, मर्जी ताड़ी करना तो कर लो, क्यों बार बार कहते रहो ना। आपको अगर हम अच्छे लगते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, वरना रहने दो यार, ऐसे ही ब्लॉग देख लिया करो। अब तक तो सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करती थी, अभी आपको भी ब्लैकमेल करते हैं। चुप कर जा भरावा तुम। बाय बाय। ये बहुत बोर बोलेगा, ब्लॉग मेरा लंबा कर देगा, इसीलिए बाय बाय कर दो। बाय। ऐसा लग रहा मुन्ना हमें रिसीव करने खड़ा था। सामान आ गया? हाँ सर, आपने सुसु में ज़्यादा टाइम लगा दिया, बैग आ गए।